फर्स्ट रनर अप में बुलाना चाहूंगा शिवपाल कुमार। यह नजारा है बाराबंकी स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल का, जहां आज सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे। मौका था लखनऊ पब्लिक कॉलेज की शाखा का उद्घाटन। अखिलेश यादव ने शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने विद्यालय के उमराय सिंह मेमोरियल प्रेक्षागृह एवं तरण ताल का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व उन्होंने विद्यालय परिसर में पारिजात वृक्ष का पौधारोपण किया तथा 50 श्रमिकों को अंग वस्त्र एवं फलों की टोकरी भेंट किया। विद्यालय के नवनिर्मित तरण ताल में बच्चों की तैराकी प्रतियोगिता भी कराई गई तथा विजेताओं जिसमें बालक वर्ग में हरिओम प्रथम, श्वेतांग प्रकाश वर्मा को द्वितीय, अक्षत यादव को तृतीय तथा बालिका वर्ग में गायत्री को प्रथम, अंबिका द्वितीय, जागृति अग्रहरी तृतीय को अखिलेश यादव के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। आज लखनऊ पब्लिक स्कूल बाराबंकी शाखा का विधिवत उद्घाटन हुआ। बाराबंकी वासियों के लिए ये बनाया गया विद्यालय एक CBSE से एफिलिएटेड होगा और बहुत अच्छा विद्यालय, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े प्लेग्राउंड सब कुछ यहाँ मिलेगा और क्लासेस बहुत वेल वेंटिलेटेड बड़ी बड़ी क्लासेस हैं और करीब 100 क्लासरूम हमने यहाँ बना दिए हैं। इसके साथ ही भविष्य में ये योजना है कि ये यहाँ का एक एजुकेशन का सेंटर बने, बल्कि बनेगा और यहाँ के निकले हुए बच्चे देश दुनिया में अपना नाम करेंगे। बाराबंकी का विकास होगा, बाराबंकी बहुत आगे बढ़ेगा और जहाँ जहाँ हमने स्कूल खोले वहाँ के उस इलाके का शैक्षिक ग्राफ बढ़ जाता है, तो इससे जो है बाराबंकी को बहुत लाभ मिलेगा। संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में यह संस्था लाखों बच्चों का भविष्य बेहतर करेगी। देश की जो अच्छी संस्थाएं हैं उनके बराबर LPS ने काम किया है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जिन देशों ने अपनी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई वही विकसित हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर SP सिंह के प्रति आभार भी व्यक्त किया और कहा कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपनी संस्था में मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझसे पारिजात का पौधारोपण कराया। और मैं आज आपको 1 जुलाई के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये नई संस्था को आज जब आप शुरू कर रहे हैं असेंबली बोर्ड पर, आपने जन्मदिन मनाया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद के साथ साथ जो आपने एक पारिजात का पेड़ लगाया। मैं कई बार पढ़ता हूं और इस बात के बारे में लिखा जाता है अखबारों में भी कि बाराबंकी के अलावा कहीं पारिजात के पेड़ नहीं और सबसे पौराणिक ऐतिहासिक अगर पारिजात का पेड़ कहीं है तो वही वो कहीं है तो वो बाराबंकी जिले में है। मैं आपका आभारी हूं कि मुझे भी आपने इस लायक समझा कि एक पारिजात का पेड़ आपकी संस्था में मैंने भी लगाने का काम किया। एक बार हम लोगों ने भी जब लोहिया पार्क का शुरुआत थी तो उस समय हम लोगों ने नेताजी से कहा कि आपके लिए हम लोग अलग से एक पेड़ लेकर के आए हैं और हम लोगों ने कहा कि आपसे पारिजात पेड़ लगवाएंगे। तो नेताजी ने ताज्जुब कर करके कहा कि ये तो पेड़ केवल बाराबंकी में है, बाराबंकी के अलावा कहीं पेड़ नहीं है। यही नहीं, उन्होंने डॉक्टर SP सिंह की ओर से यह भी घोषणा की कि भविष्य में LPS का एक भव्य स्टेडियम भी बनवाया जाएगा जहां से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा होकर देश का नाम रोशन करेंगे। खुशी इस बात की मेरे हाथ में अभी अभी प्रसिद्धि है आदरणीय SP सिंह जी ने, ये सच्चाई है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल की भी सुविधा होगी तो ज्यादा विकास होता है, बच्चे को ज्यादा पढ़ने में मन लगता है। जहां आप इस संस्था को बनाए हैं वहीं आपने ये भी फैसला दिया है कि इसी के बगल में हम लोग स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत देता हूँ कि जहां ये संस्था खड़ी होगी बगल में स्टेडियम भी खड़ा होगा और हम आपको ये कह सकते हैं कि कभी टॉपर बच्चों को एक आनंद में मैच दिखाना हो तो हमें जरूर बताना, उनके लिए विशेष पास करके रखेंगे। हाँ, ये है कि हमारे लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास हर ब्रांच के पास लगभग प्लेग्राउंड हैं, लेकिन हमारा जो है जब कभी सारी ब्रांचेज के गेम्स होते हैं तो उसके लिए हमें कहीं स्टेडियम लेना पड़ता है और कई कई
पता लगा हफ्तों चलता है, तो उसके लिए हमें कभी खाली मिलता है, कभी नहीं करना होता, कभी शिफ्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा है कि बाराबंकी में अपने स्कूल से लगा हुआ एक शानदार स्टेडियम भी बनाएं, और बनेगा, उसकी सब तैयारी हो चुकी है, लैंड वगैरह कुछ परचेज भी कर ली गई, बाकी परचेज हो जाएगी। तो इस तरह से हम बाराबंकी को एक नई सौगात और देने जा रहे हैं, जो एक अच्छा सा स्टेडियम जहाँ से खेल में रुचि रखने वाले हमारे स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सके, इसके पीछे उद्देश्य यही है। वहीं अखिलेश यादव के समक्ष स्कूल के छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुति भी दी। छात्रों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने अखिलेश यादव को न सिर्फ मंत्रमुग्ध कर दिया बल्कि एक ऐसा पल आया जिस समय सपा मुखिया भावुक हो गए। दरअसल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से प्रेरित गाने पर अपनी प्रस्तुति दी गई, जिसमें एक सैनिक के जीवन के संघर्षों और अपनी देश की माटी के प्रति उसके समर्पण को प्रस्तुत किया गया। ये हमारे जो म्यूजिक टीचर, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स जिस तरह से पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, खेलों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से कल्चरल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं। हमारे स्कूलों में राष्ट्रपति कलाम से लेकर के लगभग सब कई मुख्यमंत्री और दर्जनों गवर्नर सब आ चुके हैं, तो सभी ने ये महसूस किया कि ये विद्यालय कुछ अलग है और अलग करता है। तो आज की जो प्रस्तुति थी, इसमें वीर शहीदों को वीर शहीद अपनी माँ के मतलब भावनाएं ऐसी व्यक्त कर रहा था, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए थे, और हमें लग रहा था वहाँ पे जितने लोग बैठे थे लगभग सभी ने उनके दिल को छू लेने वाली मतलब जो प्रस्तुति थी बच्चों के द्वारा, तो इतने अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया था। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे टीचर्स की, हमारे म्यूजिक टीचर्स की देन है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमारे यहाँ राम नाइक जी आए जो कि बॉम्बे से थे, और उन्होंने ये बात जब कही कि मैंने ऐसा इतना अच्छा कार्यक्रम आज तक नहीं देखा, देख करके सब लोग भावुक हुए, उसमें अखिलेश जी भी, हमारे जो मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी भावुक हुए।